वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आप सभी को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पर्व के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता की रक्षा के लिए शहीदी दी है। औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक में शहीद करवा दिया था, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने उनका धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। पंजाब के अमृतसर में जन्मे श्री गुरु तेग बहादुर जी का बचपन का नाम त्यागमल था। वे बचपन से ही बहुत ही महान और विद्वान थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के पिता का नाम गुरु हरगोविंद जी था। श्री गुरु तेग बहादुर जी 14 वर्ष की आयु में ही मुगलों के खिलाफ लड़े। जब वह अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ाई में उतरे तो उन्होंने कई करतब दिखाने शुरू कर दिए। इन सभी कारनामे और उनकी वीरता को देखकर श्री गुरु हरगोविंद जी ने उनका नाम त्यागमल से गुरु तेग बहादुर जी रख दिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने गुरबाणी के साथ साथ शास्त्र विद्या भी ग्रहण की। श्री गुरु तेग बहादुर जी के विवाह के बाद उनके घर एक सपुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह जी रख दिया गया, क्योंकि वे भी अपने पिता और दादा के भांति बहुत ही महान थे। इतिहासकारों के अनुसार उन समय औरंगजेब का राज था और औरंगजेब अपने से ऊपर किसी भी धर्म को नहीं मानता था। उसके दरबार में एक विद्वान आया करता था जो उसे गीता के पाठ सुनाया करता था। वे विद्वान उन गीता के श्लोकों में से वे श्लोक छोड़ दिया करता था जिसमें हिंदू धर्म की महानता के बारे में लिखा होता था, क्योंकि औरंगजेब को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था। एक दिन वे विद्वान बीमार पड़ गया और गीता का पाठ सुनाने के लिए अपने पुत्र को वहाँ पर भेज दिया, पर वे उसे उन श्लोकों के बारे में बताना भूल गया जिनमें हिंदू धर्म की महानता के बारे में लिखा हुआ था। उसके पुत्र ने औरंगजेब को जाकर सारी गीता का पाठ सुना दिया और उन श्लोकों का अर्थ भी बता दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि हिंदू धर्म और सभी धर्म अपने में महान हैं। औरंगजेब को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने सभी लोगों को कहा इस्लाम धर्म अपनाने को। उस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडित रहा करते थे। वे बहुत ही विद्वान थे। औरंगजेब ने उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, पर वे नहीं माने। उन्होंने यह सुन रखा था कि गुरु तेग बहादुर जी कमज़ोर लोगों और मददगार लोगों की सहायता करते हैं। तब वह गुरु तेग बहादुर जी के पास सहायता मांगने गए और उनसे कहा कि हमारी बहू बेटियों को औरंगजेब से खतरा है। वे हमें ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने को कह रहा है। जहाँ से हम पानी भरते हैं वहाँ पे हड्डियाँ फेंकी जाती है, कृपया आप हमारी सहायता करें। तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इस मुश्किल भरी घड़ी में कमज़ोरों में जान डालने के लिए औरंगजेब के सामने किसी का सर रखना होगा और किसी को कुर्बानी देनी होगी। तब वहाँ पे खड़े 14 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे बड़ा महान व्यक्ति कौन है जो शहीदी दे सके, कुर्बानी दे सके। तब गुरु तेग बहादुर जी कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। वहाँ पर बैठे सभी दरबारियों ने गुरु गोविंद जी से कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी माँ विधवा हो जाएगी और आप यतीम। तब गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र गुरु गोविंद जी ने कहा कि मेरे अकेले के यतीम होने से, अगर लाखों यतीम होने से बच सकते हैं तो मुझे यह स्वीकार है, और मेरी माता के अकेले विधवा होने से, लाखों विधवा होने से बच सकते हैं तो मुझे यह स्वीकार है। तब गुरु तेग बहादुर जी शहीदी के लिए चले गए। अंत में 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद करवा दिया गया। जहां पर गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया गया है वहां पर आज शीशगंज गुरुद्वारा है।